अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नबील इकबाल है। मैं एक आई डॉक्टर हूँ। मैंने MBBS, FCPS और MRCS की डिग्रीज की हुई हैं और मैंने अपना FCPS LRBTI हॉस्पिटल से किया। आमतौर पर पेशेंट्स कहते हैं कि आई स्पेशलिस्ट और आई सर्जन में कोई फ़र्क है, तो जो आई स्पेशलिस्ट होता है वो मोस्टली आई सर्जन भी होता है। ये जो डिग्रीज हैं इनमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है कि आई स्पेशलिस्ट है या आई सर्जन है। अक्सर पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, बच्चों के लिहाज से बहुत कंसर्न होते हैं, कहते हैं हमारे बच्चों की आई साइट वीक है, दूसरा उनमें टेढ़ेपन का मसला आ रहा है, तो इसकी कोई इलाज है, इसमें कोई बेहतरी कर सकते हैं। तो बिल्कुल, अगर हम पहले असेस करते हैं कि टेढ़ेपन की वजह क्या है, उसकी वजह उसके ऐनक ग्लासेस का नंबर है या कोई और वजह, अगर उसका ग्लासेस का प्रॉब्लम है और वो लगाने से उसके टेढ़ापन ठीक हो जाता है, तो उसके लिए कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं। और अगर कोई ऐसी वजह कि उसकी वजह से सर्जरी हमें करना पड़े, तो सर्जरी के बाद आराम से ठीक हो जाता है। इसमें हम ये देखते हैं कि एज पेशेंट की कितनी है। अगर बच्चा जल्दी आ जाता है, डॉक्टर के पास जल्दी प्रेजेंट कर देता है, तो उसका जो पर्दा है उसमें ताकत जल्दी आ जाती है, तो टेढ़ेपन का इलाज जल्दी कराने से उसका फर्दर आगे जो है नज़र बेहतर रहती है। लेकिन अगर इस चीज़ में पेशेंट्स थोड़ी सी देर कर दें, तो हो सकता है कि उनके बच्चे की जो है नज़र उतनी बेहतर ना हो सके जितनी उसकी होनी चाहिए थी। यंग पेशेंट्स के हवाले से ये है कि जो हमारे पास यंग पेशेंट आते हैं, ज़्यादातर उनका प्रॉब्लम होता है कि वो ग्लासेस यूज़ कर रहे हैं, अक्सर उससे खुश नहीं होते। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि उन्हें ग्लासेस लगाए बगैर कुछ भी नज़र नहीं आता, तो कहते हैं ग्लासेस किसी तरह उतर जाएँ या कॉन्टैक्ट लेंस का मशा लेते हैं। तो जो ग्लासेस उतारने के लिए इंटरेस्टेड हैं, उनका ये है कि उनके लेज़र ट्रीटमेंट हो सकती है। लेज़र दो तीन तरह की होती है, PRK, लेसिक सर्जरी, और बहुत ही सेफ है। अब यूँ समझ लें कि 98% तक इसके जो है नियर टू नॉर्मल रिज़ल्ट हैं लेज़र के, और बहुत कम कॉम्प्लिकेशंस है इसमें। पेशेंट का कंफर्ट भी काफ़ी, अब पहले की नस्बत काफ़ी बेहतर फील करते हैं, और रिकवरी जो है बहुत जल्दी हो जाती है। कुछ पेशेंट्स पूछते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव सर्जरी करवाते हैं, इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और एक दफ़ा ख़राब हो जाए तो दोबारा सही नहीं हो सकती। तो इसमें कुछ हद तक तो ये है कि काफ़ी हद तक बल्कि हम जो है उसको सही कर सकते हैं। अगर एक दफ़ा करेक्शन नहीं हुई, उसमें कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वो चेक करते हैं और उसमें देख लेते हैं, अगर तो वो ठीक हो सकता है तो वो हो भी जाता है, या उसके लिए अगर बहुत ज़्यादा उसमें हो जाता है कि कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसका भी किसी हद तक जो है हम कवर कर सकते हैं। ज़्यादातर हमारे पास जो बूढ़े लोग आते हैं, ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं, उनका प्रॉब्लम ये होता है कि उनका सफ़ेद मोती का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जिसे हम अपनी ज़ुबान में कैटरेक्ट कहते हैं। तो कैटरेक्ट सर्जरी भी अब बहुत एडवांस हो चुकी है। फेको के ज़रिए, जिसे अक्सर जगहों पे आपने देखा होगा, वो कहते हैं लेज़र के ज़रिए मोती का ऑपरेशन, वो असल में फेको सर्जरी होती है। तो उसमें विदाउट एनी स्टिचेस और बहुत ज़्यादा इंसिजन बड़ा करके उसकी ज़रूरत नहीं होती, बल्कि एक मशीन होती है, उसके ज़रिए हम जो है छोटी सी पॉकेट बनाकर उसमें से मोतियाँ निकाल लेते हैं और उसी जगह फोल्डेबल लेंस आँख के अंदर डाल देते हैं। तो इसमें भी हम नियर नॉर्मल तकरीबन जो है ना विजन अचीव कर लेते हैं पेशेंट्स की। अच्छा, कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि क्योंकि हमने लेंस लगवाए हैं वो दूर के लिए हैं, तो नज़दीक के लिए हमें प्रॉब्लम होती है जब वो मोती का ऑपरेशन करा लेते हैं। तो अब तो ऐसे लेंस भी आ गए हैं जिन्हें मल्टीफोकल लेंस कहते हैं, जिनमें दूर और नज़दीक दोनों देख सकते हैं, और उसमें जो कंफर्टेबल काफ़ी अच्छा हो जाता है पेशेंट्स का। तो जिन्हें नज़दीक का ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, वो कहते हैं हमें दूर के साथ नज़दीक का भी नज़र आए, तो उनमें हम जो है मल्टीफोकल लेंस डाल देते हैं।